लोग यार नारे मारे लगा रहे हैं अली अंदर सूरत हाल और है बाहर सूरत हाल और है। हाँ नहीं नहीं लोग बहुत इंथुजियास्टिक हैं। वो मुझे लड़के कह रहे थे, कहते सर 100% जितांगे पूरी सीट। मैंने कहा इधर कहते सीट ही जितांगे, ये हालात चल रहे हैं लोग। मैं अंदर देख रहा हूँ, अंदर जिस इंथुजियास्टिक अप्रोच से लोग वोट डाल रहे हैं, और ये एक लाहौर के गुंजान आबाद पुराने शहरी इलाकों में से चाचा ने मुझे मुफ्त में चाय भी दी है। हाँ चाय भी दी है। ये शालीमार का इलाका है, महमूद बुटी गाँव है, कप भी दे दिया साथ में। क्योंकि वो जरई जमीन है और ये गुंजान आबाद इलाका है, तो यहाँ की जरई जमीन जो की आबादी बन गई है सारी वो बेच दी हुई है। तो अपोजिट साइड पे आप जितनी हम है, हम बचपन में ना करते हैं अली के ट्यूबवेल के ऊपर नहाने आते थे। वो ट्यूबवेल बनाया हुआ था बेल्ट गाले में, हाँ। अली ने वो परली तरफ एक ट्यूबवेल बनाया हुआ था, ये हमें इकट्ठा करके ले आता था, हाँ। और इधर हमें गोते देता था गर्मियों में। तो ये सामने वाली साइड पुरानी याद, मुझे अच्छी तरह याद है, बड़ी अच्छी याद है। हम उधर ऊपर से आते थे ना, हाँ। बड़ी अच्छी याद। अभी सर बाइक पे एक खातून थी बुजुर्ग, उनसे मैंने पूछा किसको वोट दिया, कहते नून लीग को। तो उनका पोता बाइक चला रहा था, मैंने कहा आपने किसको दिया, कहते पीटीआई को। तो जो बुजुर्ग है उनको मेरे ख्याल से वो बहलाक है ना मोहल्ले वाले, और वो तो ले लेते हैं वोट। देखिए अभी अंदर की सिचुएशन तो ये अली देख के आए, बाहर आप लोगों ने लोगों से पूछा है। देखिए अंदर जो वोटर्स की ज्यादा तादाद है वो यूथ है, नौजवान है, और नौजवानों का आम अगर हमने सर्वे किया और पूछने में जो रुझान आया है वो तो भाई जो इस वक्त आज के आज़ाद उम्मीदवार हैं उन सबको वोट डालने के लिए वो बड़े एंथुजियास्टिक हैं, बल्कि मुजाहरा कर रहे हैं। और आपने ये देखा कि पाकिस्तान में पहली मर्तबा जो बार बार ये एक डाटा शेयर किया जाता है कि 1.5 करोड़ नए वोटर्स का इजाफा है, 2 करोड़ के करीब है जो नए वोटर्स पहली मर्तबा वोट डाले, फर्स्ट टाइम वोटर है। तो आप देखें कि ये कितनी मैसिव किस्म की इसकी रेशो बनती है, ये 20-25% तो वोटर पाकिस्तान के यही वो 2 करोड़ लोग हैं जिन्होंने ना सिर्फ ये कि जिनकी एनर्जी है जो कि अब बहुत ज्यादा अवेयरनेस रखते हैं और जिन्होंने हर सूरत जाके वोट डालना है। मोर देन 50% वैसे ही नौजवान वोटर है, नौजवान वोटर है। और हमने इसका मुजाहरा देखा है, देखें हम इस वक्त अभी पोलिंग स्टेशन से होके आ रहे हैं, हमने 15 पोलिंग स्टेशन देखे हैं रस्ते में, 15 पोलिंग स्टेशन। और एक मिनट, ये उस्मान बाहर सर्वे कर रहा था ना जी सर, उस्मान बाहर क्या है सर? मैंने जो पूछा ना तकरीबन मैंने 10-12 लोगों से पूछा है, उसमें से 8 लोग ऐसे थे जो पीटीआई के थे, उसमें से 1-2 ऐसे थे जो बताते नहीं थे कि हम किसको वोट दिया है, और पता चल रहा था कि ये बेचारे छुपा रहे हैं कि हमारा नाम ना आ जाए। तो एक जो खातून थी बुजुर्ग, उनको भी आइडिया नहीं था कि मैंने किसको वोट दिया, उन्होंने कहा बस ठीक है शेर को वोट दिया, ठीक है। बाकी जितने लोगों से मैंने पूछा है वो सारे, अभी 3-4 लड़के खड़े थे तो उनसे अच्छा, मैंने ये हल्का था जहाँ से हम घूम के जा रहे हैं, आबाद मियां आबाद फारूक जी जी, हाँ। जिनका बेटा भी फौत हो गया था जी जी, उनके भाई, उनके भाई का है, वो यहाँ से इलेक्शन लड़ रहा है। सनम जावेद यहाँ से पीछे हट गई, फिर सनम जावेद ने इस हल्के को खाली छोड़ दिया था, और इनके लिए अभी उसका कोई ना कोई इंतखाबी निशान तो होगा जी जी था। क्या सनम का क्या था निशान वहाँ पे, अच्छा। उसके अलावा जो है वो यहाँ पे दूसरा मरियम नवाज है जी उनके मुकाबले में कैंडिडेट, और नीचे वाली सीट के ऊपर ख्वाजा इमरान नजीर बा मुकाबला ये जो दूसरे कैंडिडेट थे अब्दुल करीम खान, अब्दुल करीम खान इनका इंतखाबी निशान डॉल्फिन था, डॉल्फिन फिश, डॉल्फिन तो आज इंटरनेट की तारें खा गई है। डॉल्फिन नहीं वो शार्क है, डॉल्फिन तो बहुत अच्छी होती है, डॉल्फिन तो डांसिंग वांसिंग करती है। आप चले जाए ना जहाँ पे समुद्र साफ पानियों के हैं, न्यूजीलैंड में चले जाए, इधर मालदीव साइड पे चले जाएं, दुबई से आगे कुछ एरियाज हैं वहाँ चले जाएं, सारी डॉल्फिन्स। तो वो जहाँ टेम्परेचर जहाँ मोतदल है वहाँ पे आपको डॉल्फिन्स बड़ी मिलती हैं। ये शार्क है, ये शार्क है जी जो खा रही है केबल, शार्क है नहीं। वैसे इस दफा तो उन्होंने शार्क का बहाना भी नहीं किया, उन्होंने कहा जी हमने वैसे ही बंद कर दिया। हाँ जी सर्विस, ये इतने बड़े अवामी दिन पे, इतनी बड़े अवामी दिन पे इस तरह की जो इंतजामी, हमें 50 साल पीछे आज तक खेला इन्होंने। ये मोबाइल फोन जो है ये बट्टे बने हुए हैं, पत्थर है सिर्फ इस पर। ये सिर्फ आवाम को शऊर से दूर रखने के लिए कम्युनिकेशन जो है, नहीं तो वो तो काम तो हो गया सारा, काम हो गया है। आवाम तो हल्कों के बाहर लगे हुए हैं बैनर जी। देखिए पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा नजर आ रहा है कि अवामी सतह पर इस लेवल पे दिलचस्पी है कि सुबह सुबह लंबी लाइनें, आपको वोट डालने के लिए बहुत ज्यादा टाइम रिक्वायर्ड है। मैं फजर की नमाज पढ़ के निकला था, तो फजर की नमाज मैंने पढ़ी है, इनको मैंने उठाया सबको,
और मैं वहाँ से निकला सुबह, तो जहाँ जहाँ मैं गया मैंने ये देखा कि पोलिंग स्टेशन के बाहर अभी वो वोटिंग शुरू नहीं हुई, लोग खड़े हुए थे। फिर जहाँ मेरा वोट था वहाँ मैं आया तो मैं समझा मैं सबसे पहले पहुँचूंगा, बड़ा मैं चौड़ा होके आया तो मैं इनके सामने वहाँ वो लंबी लाइन लगी हुई थी, मुझे उन्होंने बीच में कहीं खड़ा कर दिया। तो वो फिर मैंने क्योंकि रात को क्लेम किया था मैं पहले वोट डालूंगा, तो वहाँ एक दो लोगों को पता था, उन्होंने मुझे पकड़ के आगे कर दिया। तो पहला वोट मेरा अल्हम्दुलिल्लाह सुबह कास्ट इस तरह हो गया। लेकिन जिस तरह लोग निकले हैं ना, यानी DHA के अंदर जो पोलिंग स्टेशन है जहाँ से आप गुजर के आए हो अभी, DHA वाला जो पोलिंग स्टेशन है उसकी मैंने फुटेज देखी। मैं उस तरफ अभी गया नहीं, मैं सलमान अकरम राजा वाली साइड पर अब जा रहा हूँ, ओन चौधरी का देखें क्या बनता है। तो वो जो DHA वाला साइड है, DHA के वोटर्स के बारे में कहा जाता है कि ये 12 बजे से पहले निकल के कभी पोलिंग स्टेशन पे नहीं आएंगे। तो मैंने जो मनाजर देखे, जो क्लिप शेयर किए मेरे साथ साथियों ने जो वहाँ पे कवरेज कर रहे हैं, उसमें तो वो लाइन ही, वो 200 मीटर लंबी तो लाइन है। सर ये क्लिप शेयर किए लोग ये भी समझेंगे कि पता नहीं, आप ये भी बताएं कि हम ऑफिस इंटरनेट ढूंढते हैं किसी जगह पे। इस शहर में आपको कई जगह पे इंटरनेट इंशाल्लाह मिल जाएगा। मैंने कई जगहों पे बंदोबस्त करवाया था, थोड़े दिन पहले मुझे आइडिया था कि हमें केबल नेट की तरफ जाना पड़ेगा। तो आपको हर जगह पे कहीं ना कहीं फैसिलिटेट करेंगे इंटरनेट के साथ, वो बेफिक्र रहे हैं। लेकिन ये है कि वो जो अर्जेंसी होती है ना, तो इमीडिएटली आप न्यूज को शेयर करते हैं, वो फिर वो आप नहीं कर पाएंगे। अच्छा, हमें नहर की तरफ जाना चाहिए, अली रिंग रोड पे चढ़ना चाहिए, नहर की तरफ जाना चाहिए ना, ऊपर से हो रही है लेफ्ट ट्रेन गुजर रही है। यार डॉक्टर साहब, ये हमने कल गाड़ियां फुल करवाई थी, पेट्रोल लिया था या नहीं लिया था? नहीं लिया था अभी। ये देखिए जी, अभी हम ऑरेंज ट्रेन के पुल के नीचे से गुजर रहे हैं, और ये मरियम नवाज यहाँ से MNA की उम्मीदवार हैं। दोनों तरफ मेरे लगता है पानी फिरने जा रहे हैं, PPP और MNA के भी। अच्छा मुझे एक चीज़ और बताएं, लोग बताते हैं ना आगे कि किसको वोट डालना है, इंतखाबी निशान क्या है? जी हाँ, अंदर बता रहे हैं? अंदर खुला हुआ सारा सिस्टम, पर्चियाँ खुली हैं, अंदर पर्चियाँ आराम से, लोगों ने झंडे लगाए हुए, बैचेस पता उनको, हाँ बैचेस लगाए हुए, स्टिकर लगा के लोग आ रहे हैं। देखिए ना, मैं आपको ये बार बार कह रहा था, क्योंकि मैंने इलेक्शन कवर किया सन 2008 के इलेक्शन के बाद से लेकर अब तक मैंने सारे इलेक्शन कवर किए। उससे पहले मैं एक दफ़ा पोलिंग एजेंट भी रहा, और मैंने इन चीज़ों को समझा भी है, करीब से देखा भी है। तो उससे पिछला भी 10 साल का एक्सपीरियंस है, उस 17-18 साल का ये एक्सपीरियंस है। तो मैं आपको बार बार सबको ये कह रहा था कि पोलिंग डे जो होता है वो मैनेजेबल नहीं होता, बहुत मुश्किल से मैनेज। ये जो निज़ाम अपने कपड़े उतार रहा है, ये इसीलिए उतार रहा है कि उसको ये आइडिया है कि एक दिन में वो सारा कुछ नहीं हो सकेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो वो जो कुछ करना था वो कर लिया गया, और अब जो बाकी है, जो कुछ करना है, वो आज पोलिंग खत्म होने के बाद की बात है। पोलिंग खत्म हो जाएगी तो उसके बाद जो है वो अगला दाव जो खेला जाएगा वो उसके बाद वाली कहा। अब तो ये आज तो के लिए पब्लिक का राज है, यानी मैं तो आज ये देख रहा हूँ कि अवामी राज है सड़कों पे, नजर आ रहा है पोलिंग स्टेशन में हर जगह पे। तो इस वक्त तो अब तो ये एक वाहिद तरीके का है। चाचा के पास आना पड़ेगा वापस, चाचा की चाय अच्छी है। ये वो मुझे बता रहे थे कि उन्होंने अपनी भैंसें रखी हुई है, अपनी भैंस का खुद यार खत्म हो गई है। आखिरी घूट वैसे भी बड़ा मुश्किल है। नहीं, अब इनको पोलिंग जितने स्टेशंस हैं, जितने पोलिंग कैंप्स हैं, यहाँ पे भी वाज़े तौर पर कैमरास लगाने चाहिए, जो हम खासकर जो पोलिंग स्टेशंस के अंदर कैमरास लगाने चाहिए। और अब क्या प्रॉब्लम है, अरबों रुपए का बजट है, कई सौ अरब रुपए का बजट जो है वो इलेक्शन कमीशन ले जाता है। तो अगर आप ये सारी ट्रांसपेरेंसी ले आए पब्लिक के सामने, और जब बल्कि फ्रॉम द बिगिनिंग आप बायोमेट्रिक्स के थ्रू जो है वो देखें कि टोटल नंबर ऑफ वोटर्स एंटर कितने हुए हैं। आपने एक और चीज़ नोट की है, मेन सड़कों के ऊपर कहीं पे भी PTA को कैंप नहीं लगाने दिया, गलियों के अंदर उन्होंने लगाए हुए हैं, छोटी छोटी गलियों में ना, क्योंकि वहाँ मल्लेदार होते हैं, सारे इकट्ठे होते हैं, तो वहाँ पे वो पब्लिक अपनी मनमानी कर रही है। मेन के ऊपर उनको कैंप नहीं लगाने दे रहे। अच्छा, गलियों के अंदर आपको दीवारों के ऊपर कहीं ना कहीं स्टिकर उनका नजर आ जाता है, कोई ना कोई कहीं ना कहीं आपको वो फील आ जाती है कि यहाँ पे ये एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन जैसे ही आप बाहर निकलते हैं तो वो एग्जिस्टेंस आपको फिर नजर नहीं आती। इसकी वजह सर ये भी है ना, जो अफसर है ना वो गली में नहीं घुसते, वो बाहर से देखते हैं ठीक है सब ठीक चल रहा है, तो जो नीचे मताया था वो कहते हैं ठीक है यार अंदर लगा लो, कोई मसला नहीं। बेचारे मजबूरी है ना, उन्होंने कार्रवाई रिपोर्ट डालनी है उन्होंने।
जी ओम चौधरी के हलके की तरफ जा रहे हैं, सुबह भी ओम चौधरी साहब पे तब नहीं, रस्ते से हम एक और हलके से गुजरेंगे, ये वो हलका है, अच्छा ये मिक्स हो गया है, हम गुजरेंगे एक हलका है इसका अलीम खान का, नहीं 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 ये जहाँ से पहले ये चेंज हो गया ना, यहाँ सरदार यासर सादिक और इमरान खान का मुकाबला हुआ था बिल्कुल इस हलके में, ये हलका अब तब्दील हो गया और इसको बड़ा हलका बना दिया, यहाँ पे अब बड़ी अजीब किस्म की एक कम्बिनेशन बना है, क्योंकि इन्होंने अपनी मर्जी की हलकाबंदियाँ करवाते करवाते ना हलकों का बेड़ा गर्क कर दिया है। यहाँ अलीम खान भी पीपी का कैंडिडेट होगा और ऊपर शेख रोहेल असगर जो है वो उस तरफ से इलेक्शन लड़ेगा नेशनल असम्बली का, और यही अलीम खान की आधी पीपी जो है वो मरियम नवाज के नीचे भी है, आधी से ज्यादा मिक्सचर बना दी खिचड़ी। हाँ जी, और ये बाय डिजाइन है, हॉटस्पॉट जो है इस पे बड़ी प्री मेडिटेटेड कैलकुलेटेड किस्म की एक्सरसाइज हुई है, बहुत काम हुआ अपनी मर्जी के एक मखसूस पार्टी ने, ये बेचारे मार कुट खा रहे थे पीटीआई वाले, तो ये नून लीग को इसकी साइंस का पता था, उन्होंने काफी काम किया, लेकिन फिर भी देखें ये साइंस कब चलती है इसको जरा समझें आप, ये वाली साइंस तब चलती है जब आपकी बरादरियां, आपकी हलकाबंदियां, आपका वोट इनके अंदर बंधा हुआ हो, आपको पता हो यहाँ मैं तगड़ा हूँ यहाँ मैं कमजोर हूँ, इस दफा ये फिनोमेना खत्म हो गया, इमरान खान का वोटर जो है वो अब हलकाबंदियों का मोहताज नहीं है ना बरादरी का, ना वो बरादरी का मोहताज है, तो वो हर जगह तकरीबन एक जैसा ही है वोटर। आप ये नहीं कर सकते कि ये पोलिंग स्टेशन क्योंकि इमरान खान का तगड़ा है तो यहाँ पे मैं वोटिंग स्लो करूँ और ये मेरा तगड़ा है तो यहाँ पे मैं वोटिंग तेज करूँ, अब वो एक जैसा ही है हर तरफ, ऑलमोस्ट सेम है, स्पेशली जो खवातीन का वोट है वो तो आपको पता है हमदर्दी के साथ जाता है, इस वक्त जो मजलूम होगा खवातीन उसी को वोट डालेंगी, और मैं खवातीन की तादाद देख कर हैरान रह गया हूँ, बहुत ज़्यादा मुतासर होने, औरतें हमारी लाइन में लग के वोट नहीं डालती इतना, वो आज लाइन में लग के वोट डाल रही हैं। ये हम पहुंच गए वापस वहीं पे जहां से हम आए थे, इंशाल्लाह ये बगवानपुर से मुगलपुरा की तरफ जाएंगे।